सो हे गाइस, आकाश दिस साइड फ्रॉम मैट्रिक्स स्टेटर। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है थ्री स्टेप कंपाउंडिंग इन माय सेटअप। ठीक है, मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न के सेटअप पर मैं ट्रीट करने वाला हूँ। जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो हमारा होता है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेस पर, वो होता है प्राइस एक्शन के बेस पर। तो गाइस, वो कौन सा पैटर्न पे ट्रीट करने वाला हूँ आपको आगे पता चलेगा। एंड गाइस, आज का वीडियो आपको इस तरीके से एडिटेड नहीं दिखेगा, आपको रॉ दिखेगा। एडिटेड इन द सेंस आपको ट्रांजिशन नहीं दिखेंगे, आपको इफेक्ट नहीं दिखेंगे, आपको स्टिकर्स नहीं दिखेंगे। वाई? बिकॉज मेरा अभी एग्जाम चल रहा है मास्टर्स का, जिसके कारण मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। मुझे पढ़ाई करना है और एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है ये सब चीज़ों। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगे। 12 तारीख का एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, मतलब उस क्वालिटी कंटेंट डालने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज वो पैटर्न कौन सा है वो आपको अभी पता चलेगा। मैं ट्रीट करने वाला हूँ, ट्रीट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर वो ट्रीट बन रहा है, ये बन रहा है। तो गाइज थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, ज्यादा नहीं। ओके, अगर यहाँ पर वो कैंडल बनता है तो हम ट्रीट ले सकते हैं, बट अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर भी नहीं है वो चीज। अगर यहाँ पर भी एक रेड कैंडल आता है हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर रेड कैंडल आता है तो हमारा यूएसडी डीजेडडी और यहाँ पर यूएसडी पीएचडी पे बन रहा है। नहीं, यहाँ पर तो नहीं आया, यूएसडी डीजेडडी पे भी नहीं आया। यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल आ गया है। ठीक है, तो ये सेटअप ना मोमेंटम के लिए, मतलब ये कंटिन्यूशन का ट्रेड है। ठीक है, ओके, यहाँ पर बना है। हाँ, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। बस मुझे एंट्री अच्छा चाहिए, अगर एंट्री अच्छा नहीं होगा तो मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, ओहो, बहुत ज्यादा नीचे लग गया यार, मैं यहाँ पर ट्रेड लगा रहा था। तो गाइज मैं वेट करूंगा, यहाँ पर मुझे एंट्री अच्छा मिल रहा था तो मैंने ट्रेड लिया यहीं पर। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के वीक के पास, बट मार्केट में वोलेटिलिटी के कारण मार्केट नीचे गया और ऊपर लग गया ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीचे से दो ट्रेड और लगा दिया। मुझे पता है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल ही आना है। ठीक है, और मेरा एंट्री पहले वाला बहुत अच्छा था, अगर वहां पर, क्या ही बोलूंगी। ठीक है, वहां पर वोलेटिलिटी के कारण नीचे चलेगा मार्केट, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मेरा ट्रेड भी चले जाएगा। तो देख सकते हो मेरा पहला ट्रेड विन गया है, जो लॉस था वो भी रिकवर हो गया और मैं प्रॉफिट में भी आ गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी मार्केट में नीचे ट्रेड लग गया था। अगर ये लॉस जाता तो मैं ट्रेडिंग अपना स्टॉप कर देता, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ही रहता है 3%, मतलब 3 लॉस का स्टॉप लॉस रहता है मेरा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग करने वाला हूँ मैं। देखते हैं। सो गाइस, ये जो ट्रेड रहता है ना वो मोमेंटम और ट्रेंड के साथ पे हमको ट्रेड लेना रहता है। ठीक है, और तो इसका नाम क्या है, इस पैटर्न का नाम क्या है? इस पैटर्न का नाम है द सर्वाइवल बार। अब सर्वाइवल बार काम किस तरीके से करता है, अगर ये नहीं पता आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हो, मैंने 2 वीडियो बना के रखा है टॉक्सिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने बताया एक पैटर्न है ये, तो आप उसको देखोगे आपको समझ आएगा। एंड आपको इसका डीपली चाहिए, ठीक है, डीप चाहिए नॉलेज कि एग्जैक्टली इसमें ट्रेड क्या करना रहता है, क्या देखना होता है, क्या नहीं देखना रहता है, क्या अवॉइड करना रहता है। ठीक है, क्या सेटअप है, तो आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो। ठीक है, आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसका पीडीएफ डाल के रखा है, और इसका पीडीएफ जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली हम इस पीडीएफ मतलब एग्जैक्टली हम इस पैटर्न पे किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। एंड गाइस, आप लोगों को बता दूं, जैसे कि ये मेरा एक पैटर्न है, उसी तरीके से मैं अपने पैटर्न, मेरे पास बहुत सारे पैटर्न है और उस पैटर्न पर मैं ट्रेड देता हूँ। और देख सकते हो यहाँ पर मैं सिग्नल देता हूँ, सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरा वीआईपी ग्रुप है। ठीक है, वीआईपी में देख सकते हो कि यहाँ पर कितना अच्छा खासा मार्केट में लोग पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट, यहाँ पर देखोगे तो प्रॉफिट, हमने कंटिन्यूअस 3, यहाँ पर देखोगे थर्ड डीप शॉर्ट शॉर्ट वी, मतलब हम लोगों ने 3 कंपाउंडिंग किया। फिर 3 कंपाउंडिंग के बाद मैंने स्टॉप करने को बोल दिया था, क्योंकि हमारा चौथा एक लॉस हुआ। फिर पांचवा हमारा वापस से एक ट्रेड दिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखोगे ये भी ट्रेड हमारा विन था, यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से डीप शॉर्ट शॉर्ट विन था ये चीज हमारा। ये भी मेरा एक पैटर्न है। आज हम लोग सिर्फ 2 पैटर्न पर ट्रेड कर रहे थे, और कौन से 2 पैटर्न थे आपको वीआईपी में आके ही पता चलेगा कि मैं कौन कौन से पैटर्न पर ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो भी विन गया था हमारा, तो हम लोगों ने टोटल 6 ट्रेड लिए था, मतलब हम लोग 6 ट्रेड लिए थे, 5 विन और 1 लॉस। ठीक है, और आपको बता दूं ये सारे पैटर्न पर मैं ट्रेड देता हूँ, वो भी लाइव आकर।
ठीक है, यहाँ पर देखोगे लाइव स्ट्रीम स्टार्टेड, मतलब मैंने लाइव आया। और ये गाइस ये प्रीमियम ग्रुप है, और मैंने एक और ग्रुप बनाया है जहां पर मैं टूर्नामेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, 200 to 2000 डॉलर का टूर्नामेंट। अगर उसके बारे में जानना है तो सारी चीजें आपको वीआईपी में, सॉरी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप में आना है, आपको पीडीएफ देखना है। अगर पीडीएफ आपको नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं करने वाला हूँ सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग। ओके, यहाँ पर बन रहा है वो पैटर्न, तो यहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा। लास्ट के 5 सेकंड के लिए भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ, मुझे पता है यहाँ पर मेरा ट्रेड बन जाएगा ये। ठीक है, तो गाइस जैसे कि देख सकते हो, जैसे ही मुझे पैटर्न दिखा मैंने ट्रेड ले लिया तुरंत, और मेरा ट्रेड भी चले गया। ठीक है, ये देखो, तो हमारा 2 स्टेप कंपाउंडिंग हो गया, और थर्ड स्टेप हम कंपाउंडिंग करेंगे 32,000 का। अब इस ट्रेड का रीजन क्या है, अगर यहाँ पर देखोगे मार्केट में ना डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर चालू हो गया, ये हाई था, ये लो था, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर मार्केट में यहाँ पर देखोगे सेलिंग प्रेशर है, ये इंपल्सिव वेव में सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में 2 ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद सेलर्स का कैंडल आया लेवल से विथ रिजेक्शन और न्यू लो, विच मीन्स सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर। तो क्या हुआ, एक ट्रेंड, दूसरा प्रेशर, तीसरा लेवल, चौथा रिजेक्शन, ठीक है, और यहाँ पर बाइंग प्रेशर, चार पांचवा कंटिन्यूशन साइन है, छठवा टारगेट दूर है। तो इस तरीके से आपको पूरा पैक मिल जाता है शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न में। ठीक है, तो आपके पास 6 रीजन से पुट डायरेक्शन ट्रेड लेना है, इस तरीके से आपको मिलता है। तो यहाँ पर मेरा लास्ट स्टेप कंपाउंडिंग रहेगा, ये मोमेंटम चेंजर वाला पैटर्न है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनूंगा। वेट अ सेकंड, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करने वाला। जब यहाँ पर स्ट्रक्चर और मोमेंटम क्लियर दिखेगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे इस पैटर्न पर ट्रेड, द सर्वाइवल बार पर ट्रेड। ओके गाइस, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है इंटेल ओटीसी पर और माइक्रोसॉफ्ट ओटीसी पर, तो हम दोनों जगह ट्रेड कर सकते हैं। ऑल व्हाट वी वांट इज अ ग्रीन कैंडल, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए, ठीक है, इसका हाई का ब्रेकआउट नहीं चाहिए हमें, इस तरीके का ग्रीन कैंडल चाहिए जिसका हेड बड़ा हो टेल छोटा हो। और क्लोज इज अ ग्रीन, अगर ग्रीन क्लोज दे दे, ठीक है, इतने ग्रीन पे क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर हमारे कॉल डायरेक्शन में ट्रेड बनने वाला है। तो इसका थोड़ा कैंडल का रिएक्शन ना थोड़ा एग्जॉस्टन वाला था, तो हमें यहाँ पर मार्जिन सेफ्टी का ही एंट्री चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए एंट्री। मैं बोल रहा था मार्जिन सेफ्टी ही एंट्री चाहिए और नहीं चले यहाँ से। सो गाइस, मैंने कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया, ठीक है, मार्जिन सेफ्टी एंट्री चाहिए था और वो भी मिल गया। तो यहाँ पर ये ट्रेड मेरा विन चले जाएगा मुझे पता है, और मेरा एंट्री के ऊपर ही क्लोज देना चाहिए। थोड़ा सा रिस्की लग रहा है बिकॉज अब इसका कैंडल का रिएक्शन थोड़ा सा सेलर्स की तरफ जा रहा है, और इस कैंडल का भी रिएक्शन थोड़ा एग्जॉशन हो चुका था, और सेलर्स भी अच्छा खासा एंटर किए थे, थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है ये ट्रेड। तो देखते हैं क्या होता है, अभी बहुत बोला जाए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। 3, 2, 1, चलो गाइस ग्रेट, यहाँ पर देख सकते हो कितने डीप तरीके से हमारा ट्रेड विन गया। ठीक है, भले ही एकदम मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था, बट ट्रेड हमारा विन गया। तो यहाँ पर मैंने 3 स्टेप कंपाउंडिंग किया, तीनों आप लोगों को दिखाया कितना सिंपली और एकदम सिंपल मेरा सेशन खत्म हुआ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न पर ट्रेड किया, ये है मेरा पैटर्न द सर्वाइवल बार। अभी पैटर्न किस तरीके से काम करता है, क्या है एग्जैक्टली, अगर प्रॉपर डिटेल में जानना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये पैटर्न। और अगर आपको इसी तरीके से और भी सारे पैटर्न्स के बारे में जानना है तो आप मेरे मेंटोरशिप में आ सकते हो, जहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाता हूँ एंड आपको सारे अपने शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स बताता हूँ जो कि प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेस पे है। इस ट्रेड का रीजन क्या है, सिंपल, मार्केट का मेजर ट्रेंड अप है, दूसरा मोमेंटम बायर्स की तरफ है, तीसरा मार्केट में साइन ऑफ कंटिन्यूशन है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का, ठीक है, अप ट्रेंड में, क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये हायर है, ये लोअर है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल, इट शोस की कंफर्मेशन मिल गया मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, 3 रीजन हो गए, यहाँ पर बाइंग प्रेशर दिखाया, 4 रीजन साइन ऑफ कंटिन्यूशन, 5 रीजन लेवल से गैप है। तो यहाँ पर मेरे 6 रीजन थे कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लेने का। दैट्स ऑल, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अभी इसी तरीके का रॉ वीडियो आएगा आपके पास, ठीक है, मेरे पर्सनल ट्रेडिंग सेशन के। और आपको किस तरीके का और वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय बाय।